पसवाली थाना की टीम ने 7 दिन में चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। थाने की टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनमें से 1 नाबालिग है तो 1 तड़ीपार आरोपी है। पसवाली थाना अंतर्गत 25 मई की रात करीब 11:30 बजे नवा नकाशा परिसर में चोरी की वारदात सामने आई थी। प्राप्त जानकारी अनुसार 25 मई को फिरियादी रात करीब 11:30 बजे नवा नकाशा परिसर से जा रहा था, तभी उसकी एक्टिवा गाड़ी को पीछे से ऑटो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में फिरियादी गाड़ी के साथ गिर गया। फिरियादी गिरने के बाद ऑटो में बैठे लोगों ने उसे उठाना तो दूर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। इस हादसे के फिरियादी ने पासवाली स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच करते हुए फिरियादी ने बताया कि गाड़ी के डिक्की में 60,000 रुपए भी थे। इस जानकारी पर थाना के उप निरीक्षक प्रमोद खंडारी ने जांच शुरू की और रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में फिरदौस उर्फ रजा अहमद वल्त, मोहम्मद इरफान वल्त अंसारी सहित 1 नाबालिग आरोपी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इनमें से 1 आरोपी फिरदौस उर्फ रजा अहमद वल्त पर पहले ही मामले दर्ज है और वो तड़ीपार आरोपी है। पासपाली पुलिस स्टेशन हद्दीमध्ये दिनांक 25 मेला रात्री 11:30 दरम्यान एक दुचाकी वाहन चालक जात होता नवा नकाशा भटनागर हॉस्पिटलच्या गल्ली, तो जात असताना मागून ऑटोनी त्याला धडक दिली आणि गाडी पाडली। त्यामध्ये ऑटोमध्ये जे संशयित इसम बसले होते त्यांनी त्या दुचाकीला धडक दिल्यानंतर तो खाली पडला आणि त्याच्याकडून ती गाडी बळजबरीने हिसकून पळून गेले होते। त्याच्या अनुषंगाने फिरियादीच्या रिपोर्टनुसार आम्ही कलम 394-34 IPCचा गुन्हा दाखल केला होता। सदर गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद खंडारे यांनी केलेला आहे। गुन्ह्यामध्ये नंतर फिरियादीने असं सांगितलं तक्रार देताना की त्या गाडीच्या डिक्कीमध्ये 60,000 रुपयाची कॅशसुद्धा होती। पोलीस उपनिरीक्षक खंडार आणि त्यांचं पूर्ण तपास पथकाची टीम यांनी या गुन्ह्याचा उत्तमरित्या तपास केलेला आहे आणि यामध्ये 3 आरोपी अटक केलेले आहे। त्यापैकी 1 आहे फिरदौस उर्फ रजा अहमद वल निषाद अहमद राहणार मोमिनपुरा, 2 आहे मोहम्मद इरफान वल मोहम्मद इलियास अन्सारी हा हमीदनगर पिवळी नदी लुंबिनी बौद्धविहारजवळ पोस्टी यशोधरानगर इथे राहिला आहे आणि 3 जो आहे तो विविध संघर्षग्रस्त बालक आहे। असे 3 जणांना दोघांना अटक केली आणि 1 ताब्यात घेतलं होतं। त्यांच्याकडून गुन्ह्यामध्ये चोरी गेलेली ॲक्टिवा गाडी त्याचप्रमाणे 60,000 रुपयापैकी 56,000 रुपयाची रिकव्हरी करण्यात आली, बाकीचे 4,000 रुपये त्यांनी खर्च केले असं त्यांनी सांगितले। आणि गुन्हा करताना आरोपीने जो ऑटो वापरला होता तो ऑटोसुद्धा यामध्ये जप्त करण्यात आलेला आहे। असा 186,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करून हा गुन्हा उघडकीस आणण्यात आलेला आहे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 एक्टिवा गाड़ी, 1 ऑटो जो इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी और 56,000 रुपए कैश बरामद की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।